Bismillahirrahmanirrahim. The great viewers, good evening, good night, good morning. ये क्यों कहते हैं? आप खुश होते होंगे, बाज लोग हैरान होते होंगे कि ये DNN के जो होस्ट हैं लाइव विद YJ कैमरा के, वो तीन शाम हो तो इवनिंग के साथ मॉर्निंग नाइट. दिस इज why वी प्रे वी ऑफर बेस्ट विशेस टू द होल वर्ल्ड. द ग्रेट व्यूअर्स, वेलकम टू प्रोग्राम लाइव विद YJ कैमरा. और आज गुड लक टू अस एंड वी बिलीव गुड लक टू यू ऑल्सो. तमाम दुनिया, तमाम जहां हमारा प्रोग्राम ये जा रहा है उसके लिए ये गुड न्यूज है कि आज हमारे स्टूडियो में द वेरी सीजन, वेरी प्रोफेशनल, वेरी ऑनरेबल, मोस्ट सीनियर लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिशियन और जिम्मेदार घराने का चश्मो चराग जनाब चौधरी नवाब अली मेऊ साहब हमारे यहां तशरीफ लाए हैं. गुड लक टू अस. वो आपसे आज उनकी गप्पे करवाएंगे, गपशप होगी. क्या कहते हैं, हम उनके गांव की गुफ्तगू सुनेंगे, गांव की खुशबूदार मट्टी से लेके जिस स्कूल में नवाब साहब पढ़े उस पे बात होगी, नवाब साहब खेले क्या उस पे बात होगी, और फिर एक जिम्मेदार का बेटा जो है, जिम्मेदार घराने का बच्चा जो है, वो बाप वगैरह जिम्मेदार साहब की ख्वाहिश होती पुत्र पुरुष कप्तान बने. पहले तो बड़े जोक वाली बात होती थी, जा पुत्र तू थानेदार लग गए या पटवारी बने, लेकिन अब चूंकि जनरेशन पढ़ गई, अब लोग पढ़ गए, अब हर घर में जहां कच्चा घड़ा था फ्रिज आ गया, वहां खूबसूरत फ्रीजर आ गए, एयर कंडीशनर आ गए, और जहां कभी सिर्फ एक कार्ट था, गड्ढा था, खोती रेड़ी थी, वहां मर्सिडीज, लैंड क्रूजर्स और बड़े बड़े खूबसूरत लश ग्रीन और उनके खेतों से जो खुशबू उठती है उसमें रौनक आ गई है, पाकिस्तान फ्लरिश कर गया है. तो आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं चौधरी नवाब अली मेऊ, मोस्ट सीनियर एडवोकेट. और क्या कहते हैं मेऊ साहब, तो आइए मिलिए जनाब मेऊ साहब से. अस्सलाम वालेकुम मेऊ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक. आप तशरीफ लाए हमारे यहाँ, गुड लक टू अस. और चौधरी साहब, आप एक जनाजे पे गए हुए थे, शायद अफसोस पे गए हुए थे, आपने बड़ी मोहब्बत फरमाई और मैं इस पे अपने कोऑर्डिनेटर जो है हमारे इन्वेस्टिगेशन कॉरेस्पॉन्डेंट जो बॉर्ड F-16 टाइप कोऑर्डिनेटर है, थैंक यू फॉर कमरान ऑल्सो, कि वो उनको अगर कह दिया जाए तो फिर तुझे जाना कितने है, वो अपना एक्यूरेट काम करते हैं. लव टू कमरान ऑल्सो. चॉइस साहब, सिंपल ये बता दें, स्टार्ट हम इससे करते हैं कि आप माइग्रेटेड हैं या लोकल हैं, और लोकल हैं तो कहां से हैं? मुक्सर साहब. और वहीं आपने स्कूल का जिक्र कर दिए जहां आप पढ़े उसका जिक्र कर दें, और फिर हम आपसे पूछेंगे किमने को पढ़े तो किमें पढ़े और स्कूल का माहौल क्या था. ठीक, थैंक यू सर. सबसे पहले जनाब, मेरी जनाब से गुजारिश है कि जो हमारा खानदान है वो हम माइग्रेटिंग है. अच्छा, माइग्रेटिंग कहां से सर? हम जनाब, हमारा जो इंडिया में गांव था उसका नाम था खोसरोबा, तहसील डी. जरा जोर से बोले ताकि वो सुने. हाँ. कि वहां से उठने वाला एक शख्स जो खानदान गया, उनका बेटा आज एक बहुत बड़ा शजरे हमारा शजर बन चुका. जनाब, जो गांव का नाम था इंडिया में वो खोसरोबा था, तहसील डी, जिला भरतपुर, सूबा राजस्थान. ओके. वहां से हमारे बाबा अजदाद जो माइग्रेट करके आफ्टर पार्टीशन. सर, आफ्टर पार्टीशन. ओके. तो जनाब, ये हमारे कसूर में पहले हमें जनाब हसना गाँव था. अच्छा. कंगनपुर थाना लगता उसको. ओके. कसूर से कितने सर? कसूर से जनाब ये है 20-25 किलोमीटर के फासले पे जनाब, कंगनपुर. अच्छा, कंगनपुर. कंगनपुर में बड़ा मारूफ जगह. हाँ, बड़ी मारूफ हसना एक है कस्बा, साथ ही उसके साथ आपका गांव है सर. हाँ जी, कंगनपुर हसना गाँव था. हसना, हसना. अच्छा, ओके. वहां से फिर जब उसको इस्तेमाल वहां से जनाब, 1963 में फिर हमारी जो है ना जमीन अलॉटमेंट होगी, ये देव कलां गाँव है, थाने नश्तर कलू निकल आके. अच्छा अच्छा. मेरी पैदाइश जो है सर वो इधर लाहौर की देव कलां गाँव फेस, आजकल जो ये 9 है DHM, वहाँ जनाब आता हमारा गाँव. अच्छा. वहाँ हमें सर जमीन अलॉटमेंट होगी. ओके. ठीक है सर. कमाल. वहाँ पे जनाब हम प्राइमरी स्कूल, माशाल्लाह. अच्छा. गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल देवकला, वहाँ से जनाब मैंने ये प्राइमरी स्कूल पढ़ा. मैं जनाब 5 पास की वहाँ से. अच्छा. तो 5 पास करके जनाब असल लाहौर टोर पे. तो लाहौर पढ़ने पा पढ़ने पा वाह. हे वंडरफुल. अच्छा मेऊ साहब,
यकीनन वो स्कूल जो है वो HSN नहीं होगा। नहीं सर, वो डार्ट मीडियम, वो डार्ट मीडियम था, वो डार्ट हम वो जो गांव में होते हैं ना खाद के तोड़े जमींदार भी हम करते थे, उस वक्त वो था। तो वो जनाब लेके जाते थे साथ, तख्ती हमारे साथ होती थी, हाथ में एक हाथ में स्लेट होती थी और स्लेट के साथ जनाब ने वो स्लेटी बांधी थी लिखने के लिए जनाब ऊपर। द ग्रेट व्यूअर्स, हम जनाब वहां द ग्रेट व्यूअर्स लिसन, हम हर प्रोग्राम में कहते हैं कि 21 करोड़ की आबादी में मिनिमम जो 10 करोड़ है वो टार्ट मीडियम है, और उस टार्ट की खुशबू ने वो हम अक्सर कहते हैं मेहू साहब वो उस्ताद कहां चला गया, वो टेंथ सिखाने वाला उस्ताद कहां चला गया, वो आज पहाड़ा टूदा फलांदा फलांदा सब भूल गया। वो जो आपको उस्ताद था वो नापैद हो गया, वो एहतराम कहां चला गया, मेहू साहब बताइए वो खुशबूदार मट्टी हम कैसे लौटा सकते हैं, इस पे बताइए। फिर आप आगे आ गए, फिर उस स्कूल से उठे, उस स्कूल से उठे जनाब प्राइमरी पास की, हम वो बता रहा था मैं आपको खाद के जो तोड़े होते जी, जी, उसको हम लेते, उसमें हम बैठ के पढ़ते थे और जनाब मास्टर साहब के हाथ में डंडा होता था जी, जी। और वो डंडा हम कोशिश करते छुपा दें कि मारे ना मिले, इतना हमें उस्ताद की दहशत थी, इतना खौफ था, एहतराम था कि अगर आज हमें सबक याद नहीं गया हमारी खैर नहीं गई जनाब। और घर वाले वो हमारे घर वालों से भी घर वालों से भी कह के जाते थे आज हमारी खैर नहीं सबक ना पढ़ा, तो हम उनके डर के मारे जनाब हर शहर वो एक सबक पढ़ाता था, हम 10 सबक आगे याद करके जाते थे और हम अपने वो कापियां शापियां उस दौर में होती नहीं थी, स्लेटें तख्तियां इमला हमें लिखाना, पहाड़े लिखाने, वो बज़्मे आज़म कराना जनाब, हमें जनाब हफ्ते बाद जनाब एक्टिविटीज थी। और दूसरा मेरे साथ मैं थोड़े लम्हे के लिए आपके स्कूल से उठ के अपने स्कूल में ले जाता हूँ आपको। मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल में पढ़ा जी सर, और गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल जो पाकिस्तान का नहीं एशिया का बहुत बड़ा कॉलेज है, मेरे लिए बड़ा एजाज था। और मैं अभी गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल में, फिर जिस स्कूल में मैं एक सहमा हुआ तालिब इल्म यकूब जावेद कमयाना प्रिंसिपल के कमरे के आगे से नहीं गुजर सकता था, मैं पिछले साल जब वहां पुलवामा बाकमाल लोग करने गया तो पूरा शहर इस नालायक स्टूडेंट को रिसीव कर रहा था और वहीं प्रिंसिपल थे, वहीं सारे थे, और अपने गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में वहां जाके प्रोग्राम किया बाकमाल लोग, जिसने बाकमाल लोग पैदा किए। मेहू साहब जो मेरे गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल की सबसे खूबसूरत बात है टाट, और उसके बाद आठवीं में जब कमरा मिलता था तो समझ लीजिए कि आपको आपको GOR में घर मिल गया, ऐसी बात। तो उस स्कूल में द ग्रेट ग्रेट व्यूअर्स, उस स्कूल में गवर्नमेंट हाई स्कूल में कौन पढ़ा, खालके कौमी तराना हफीज जलंधरी साहब पढ़े, और पहले लेवल चीफ ऑफ पाकिस्तान में भी करामत रहमान नैज साहब पढ़े सर, फिर उनके वालिद वहां हेडमास्टर थे। और आपकी इतला के लिए मेहू साहब कमाल बात है कि जस्टिस इजाज निसार जो चीफ जस्टिस बने उसी स्कूल में पढ़े, उसी कॉलेज में पढ़े, शेरगिल कमिश्नर उसी स्कूल में पढ़े, उसी कॉलेज में पढ़े। आपके स्कूल ने तो बड़े बड़े हीरोज पैदा किए हैं ना फिर। मेहू साहब बात यह है कि उस वक्त यही चीजें थी जो आप बता रहे हैं, टाट था, और ये लोग फिर इस मुल्क के ऊपर बहुत बड़ी पगड़ियां लेके आए, अल्लाह सलामत रखे इस मुल्क को सलामत रखे जी मेहू साहब। और उस वक्त वो ये भी मेहना साहब आपको बताता चलूं कि ना कोई वो ट्यूशन का दौर था, ना कोई अकेडमिया थी, ना कोई सर कहते थे शाम को मेरे को आ जाना जनाब 4 बजे के बाद स्कूल छुट्टी हो तो मेरे को आके पढ़ देना। लेकिन ये पता ये बात नहीं, मेहू साहब इसमें आप ऐड कर दें जी, अगर ये था तो फ्री था, हाँ शाम को एक्स्ट्रा पीरियड जाता था एक्स्ट्रा पीरियड, हाँ एक्स्ट्रा पीरियड, या किसी को समझ नहीं आती थी उस्ताद कहता था मैं इधर ही रहूंगा गाँव में, वो दूसरे माइग्रेट करके आते थे उधर ही हमारे गाँव में, उसने कोई मकान लिया हुआ था, वो कहते उसको शाम को समझ ना आए वो मेरे घर आ जाए और मेहू साहब पूछ रहे मुझसे। टीचर को शौक क्या था, टीचर को ट्यूशन का शौक नहीं था, नहीं। वो टीचर फखर से पूरे इलाके में मशहूर थे कि मास्टर इलम दीन साहब द रिजल्ट 100% है, इज इट राइट सर? बिल्कुल सर, हमारे इलाके के जो स्कूल था जो हम पढ़ते जी, जी। पढ़े स्कूल में वो मास्टर अनवर भट्टी साहब थे, हमारे साथ ही गांव एक बल्लड़ गांव जी, जी। वहां के जनाब वो रहने वाले थे, अल्लाह उनका जन्नत में जवार रहमत में चले, फौत हो चुके हैं जनाब, उसने हमें पढ़ाया, उसने वो बिल्कुल हमारे साथ गांव के साथ गांव खेतों के साथ खेत जी, वो पैदल आते थे, हम मास्टर साहब को छोड़ के आते लेके आते, एहतराम एहतराम जनाब, उसके आगे नहीं जाना जनाब, पीछे जनाब उसके चलते थे, मास्टर साहब जा रहे हैं आ रहे हैं सर। वहां से मैंने फिर प्राइमरी स्कूल पास किया 5,
क्लास पढ़ के, फिर ये रीगल में स्कूल है, गवर्नमेंट सेक्टर डॉट हाई स्कूल, कैथीड्रल हाई स्कूल जनाब, बड़ा मारूफ स्कूल है वहाँ पे जनाब। मेरे वाल साहब जो थे हाई कोर्ट में क्लर्क थे जनाब। अच्छा, वो फिर हमें गांव से देव कला और हाई कोर्ट का फासला देख लें जनाब, कोई 35 किलोमीटर का। जी 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 जी, मेरे वाल साहब मुझे और मेरी सिस्टर को और मेरे भाई को साइकिल पे बैठा कर लेकर जाते थे जनाब। ग्रेट व्यूअर्स, और हमें इस तरह बनती है, हमारे परवान इस तरह होते हैं, और जिनको फिर फल लगता है वो बरगद हो जाता है। जी, सबसे इंटरेस्टेड बात जो मैं आपको बता देता हूँ ये कि हमारा उस स्कूल में पढ़ने वाला मैं तालिब इल्म और मेरी सिस्टर, हम सबसे ज्यादा दूर से आने वाले थे, और वो सबसे बेनिफिट की बात ये है, आपको इंटरेस्टेड बता रहा हूँ कि हम सबसे पहले स्कूल में आते थे। वंडरफुल, हम 3 बजे गांव में रात को, रात के 3 बजे मेरी वालदा मरहूमा जन्नत में जा, आमीन आमीन, वो हमें जनाब वो तो चूल्हे पे वो जो लकड़ियों के देसी घी गरम करके जनाब पराठे पका के पानी गरम सर्दियों में करके 3 बजे हम निकल जाते थे रात को 3 बजे, और 7 बजे हम जब स्कूल में साइकिल पे पहुंचते थे, वाले साहब फिर हमें छोड़ते थे, वो हाईकोर्ट चले जाते थे। मेहू साहब माँ याद करा दिया आपने, तो हम आपको बहुत खूबसूरत शेयर कराते हैं कि मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में पढ़ता था तो मेरे घर के बिल्कुल कोई 3-4 मिनट के फासले पे गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल, तो मैं रोज अपनी माँ को, ये माए भी कमाल होती हैं, मैं द ग्रेट व्यूअर्स, मैं अपनी माँ को जिसको ऑलवेज मैं कहता हूं कि मेरी माँ अनपढ़ पीएचडी थी, मेरे वालिद तो बहुत पढ़े लिखे थे, तो मेरी वालदा मरहूमा को रोज जो चूल्हे पे पहले तो लकड़ियां थी, फिर वो बुरा आ गया, छांकुर आ गया, फिर तेल आ गया, तो मैं रोज कहता था अम्मी आज मेरा पहला पीरियड है, और मैं बड़े माँ के साथ चीटिंग करके पहला पराठा खाता था, फिर मैं घूमता रहता था, फिर माँ कहती थी बेटा तेरा पहला पीरियड किधर गया। फिर चाचा सवार खान मेहू साहब गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल का चाचा, आज तो तमीज नहीं है ना, चाचा सवार खान जो बैल बजाते थे, अल्लाह उनको जवारे रहमत दे, जब वो पहली टर्न करता था तो गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल का मारूफ रोल नंबर 220 जो मैंने अपनी कार पे हमेशा टेंडर से लिया मेहू साहब, वो 220 अपने घर से भागना शुरू करता था, जॉगिंग स्टार्ट करता था, और अंकल चाचे सवार की बैल खत्म होती थी, और मेहू साहब मैं इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर जी एम बिन मिर्जा साहब का दरवाजा खोल के ऐसे खड़ा होता था दादा के साथ, ए 220 कम ऑन जी सर। फिर उसके बाद जनाब मैंने मैट्रिक वहां से किया सेक्टर 8 स्कूल से जनाब। ओके, मेरे वाले साहब मुझे सर इंजीनियर बनाना चाहते थे। अच्छा, मेरे वाले साहब जो रिटायर्ड आर्मी थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जनाब ये ना जो इंजीनियरिंग में एफएससी में ये मैट्रिक में, देखिए ना मेरी मेरा था कि वालिद की ख्वाहिश, लेकिन चूंकि वालिद ऑलरेडी एक बहुत बड़े कानून के मुहाफिज मिजान के नीचे वो खुद जॉब करते थे, तो उनकी ख्वाहिश और थी, मेरी और थी, उनकी और थी। जनाब मैंने फिर उसके बाद मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन मैंने मैट्रिक पास किया सर, माशाल्लाह से साइंस के साथ, जनाब साइंस के साथ हमें वो वजीफे वेरी गुड से, और हमें आर्मी की तरफ से भी वजीफे मिलते थे। अच्छा, मेरे वाल साहब जो आर्मी के रिटायर एक्स आर्मी उनकी वजह से। उसके बाद सर मैंने सी काम डी काम किया जनाब, कॉमर्स में मैं चला गया। अच्छा, छोड़ के फिर मेरी बैंकिंग में जो शौक पैदा हो गया कि मैं बैंक में नौकरी करनी, मैंने एमबीए करना। अच्छा, मैंने बी काम कर लिया माशाल्लाह, हेले कॉलेज सर मैंने बी, ओह द ग्रेट कॉलेज, यस यस, पंजाब यूनिवर्सिटी जनाब, एक ही नाम था सर, हाँ जी, हेले कॉलेज से, तो वहां मेरा वो हो गया दाखिला, मैं जनाब उसमें सिलेक्ट हो गया, मैंने वो पास किया, फर्स्ट डिवीजन मैंने बी कॉम कर लिया। yeah, good. उसके बाद जनाब मैंने ना ये स्टाफ हमारा जो जो 3 साल का इंटर्नशिप 3 महीने का होता है ना, वो मैंने पेल फैक्ट्री से जनाब ज्वाइन की, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब बी कॉम के लिए जरूरी होती है। हमारा एक चीज छोटी सी, क्योंकि आप प्राइमरी स्कूल और वो गाँव का सारा सिलसिला, एक चीज भूल गया, यही थोड़ा सा माफी चाहता हूँ, हम ऊपर जाके वापस आ गए, गेम कौन सी खेलते थे आप? सर गेम जब मैं गांव में पढ़ते स्कूल में पढ़ते थे, हम कबड्डी खेलते थे, कबड्डी का हमें बड़े शौक था जनाब। अच्छा, हमारे मैच होते स्कूल लेवल पे जनाब, वो जो स्पोर्ट्स डे था, कमाल था, स्पोर्ट्स डे पे जनाब कबड्डी हमने खेलनी जनाब, कबड्डी जनाब लोग कोई जाफी होना जनाब, कोई कुछ पकड़ने वाला होता किसी कुछ, जनाब बड़ा एंजॉय हमने करना। आप एक कमाल हमारी ड्रग छेड़ दी, मैं अभी द ग्रेट व्यूअर्स मेहू साहब एक जिम्मेदार घराने से, वालिद मोहतरम हाई कोर्ट में काम करते थे, सिस्टम बता दिया साइकिल पे जाना, कबड्डी से बात फिर हम आपको एक शेयर करा दें, मेरा अभी प्रोग्राम आप देख चुके हैं मेहू साहब, बाकमाल लोग प्रोग्राम में मैं अभी गुड लक टू मी, मैं मलेशिया में बुकी जरीद स्टेडियम में लाइव कबड्डी का प्रोग्राम करके आया हूँ, वुमेन कबड्डी, ख्वातीन की कबड्डी, और वहां की कैप्टन का इंटरव्यू, और वो क्या
कि सांप आंधियां ने तो क्या वो जाके टच करती हैं, हम उसको रिपीट करेंगे और आप खुश हो जाएंगे कि आप वाली कबड्डी औरतों ने छीन ली, क्रिकेट ख्वातीन ने छीन ली और एथलेटिक्स तो हमारी लड़कियां जो है गोल्ड मेडल लेके आई है दुनिया में एथलेटिक्स में। जी जी मेहू साहब, लॉ कॉलेज पहुंचो जरा। नहीं, लॉ कॉलेज में जनाब पहुंचता हूँ, पहले उसे थोड़ी सी और आप बात बताना चाहिए। जी 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 प्लीज, प्लीज। हमारे घर में गुर्बत बहुत थी, हम 10 बहन भाई, 5 भाई और 5 बहन, और वाले साहब मेरे जूनियर क्लर्क थे। ग्रेट व्यूज कोई नहीं बताता, सब बताता है कि मैं सैगल का बेटा था, सब बताता मैं टोने का बेटा था, सब बताता है कि मैं कैमरा साहब का ये था, मेरे 100 रुपए थे। लेकिन जो मैं मेहू साहब को भी शेयर करवा देता हूँ, मेहू साहब औरंगजेब आलमगीर जब बादशाह सलामत बन गए तो रोज बैग पे जाया करते थे, अपने एनेक्सी में जाया करते थे पीछे। तो बेगम जो बेगमात थी उन्होंने एक नौकर को पीछे लगा दिया कि पता करो बादशाह सलामत किधर पीछे जाते हैं। तो नौकरों ने आके बताया, एक दिन वो जब देखा तो पुराने एक जो पीछे एनेक्सी में एक पुराना ट्रंक पड़ा हुआ था, जब वो बादशाह सलामत नहीं थे तो बादशाह सलामत जाके अपने रोज उन कपड़ों को देखता था, वो पुरानी फटी पोशाक देखता था। तो इस तरह इंसान अपना माजी नहीं भूलता। सलूट टू यू मेहू साहब एंड लव टू यू। मैं जो बताना चाहता था सर, सर बात बीच में रह गई। जी जी, वो ये थी कि जनाब मैं स्कूल जब पढ़ने जाता ना, मैट्रिक के मेरे पेपर थे। जी जी। तो मैं जनाब जो गांव में देहात में रहते थे वहां से मैं मजांग अड्डे मेरा सेंटर बना था। ओके। मैं अपने गांव से दियू क्लास से वहां से साइकिल पे मैं पेपर देने, सेकंड टाइम मेरा पेपर होता था। ओके। मैं 5 ये लद्दे चारे के जी जी वो काट के जनाब मैं अपने घर खेतों से फेंक के जी जी वो गदी जो होती थी वो आगे होती थी, किताब मेरे हाथ में होती थी, वो पढ़ते जाना और जनाब वो उसका पुराना देखना वो किधर हो रहा है, वो बैलेंस इनबैलेंस तो नहीं हो रहा, वो जनाब चारा गिर तो नहीं जाएगा गदी से जनाब, वो साथ पढ़ रहे हैं। तो मेरी माँ ने जनाब चारा काटना, मैंने वो लाद के जनाब उसको घर फेंकना, 5 फेरे डाल के फिर मैं स्कूल में जनाब पेपर देने जाता था। अल्लाह हू अकबर, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव मेहू साहब, बड़ा मजा आया आपसे मिलके, बड़ा सारा करते थे। और सबसे ज्यादा ऊंची हमारी वो जो वो जमीन थी उसमें पानी बड़ा ऊंचा चढ़ता था। ओ अच्छा, साहब जो है ना वो डंडा लेके खड़े रहते थे, एक सर्दी का खौफ पांव सुन्न पड़ जाते थे, दूसरा जनाब बाप के डंडे का डर, तीसरा डर ये पानी ना टूट लग ना ये बंधा तो ये मार देगा। कई दफा तो बाज का मेरे वाले साहब मुझे वो नहीं, जो मेरे पानी रुकता था तो वो उसे दाने में बीच में डाल देते थे मौके में, चल कांपने लगता था हमारे डर के मारे। ये कष्ट काटा है। हाँ, ये हमारे वाले साहब फौजी थे, वो बड़ा खौफ था मैंने उनसे जनाब, वो बड़े डिसिप्लिन पर्सन थे जनाब, को वो 9 बजे हमारा पानी लगता था सुबह, वो 7 बजे उठा रहे थे, आओ चलती है पानी डालने वास्ते। तो वो फिर हमने बड़ी मेरे वाले साहब की, मेरी वालदा की, हमें पढ़ाने में, इस मंजिल पहुंचाने में, अल्लाह अल्लाह के रसूल के बाद हमारे माँ बाप की वजह से इस स्टेज पे हमें। साहब ये गुफ्तगु जारी रहेगी, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और जो प्रोग्राम देखेंगे वो भी सोचेंगे कि रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद, सुरखरू होता इंसान ठोकरे खाने के बाद। नाज़रीन द ग्रेट व्यूअर्स, चौधरी नवाब अली मेहू, जिसको आज आप खूबसूरत यूनिफॉर्म में देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जाके माय लॉर्ड और बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने दलाइल देते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं, कभी वो हाई कोर्ट में होते हैं, कभी सेशन कोर्ट में होते हैं और सारा दिन भागम भाग में होते हैं, उनका सफर आपने देखा, सफर का आगाज देखा, हम उनसे गपशप जारी रखेंगे। वो बहुत अक्सर मैं कहता हूँ, बेगम का कहना और प्रोड्यूसर का कहना नहीं मोड़ा जा सकता। अ शॉर्ट ब्रेक, हम यू लेफ्ट इट।